अपनी शादी को बचा नहीं पाते हैं पवन सिंह। जी हाँ, आपने जितने भी पवन सिंह के रिलेशन देखे होंगे वो अमूमन फेल ही साबित हुए हैं। इसके पीछे अगर आपने कभी गौर फरमाया होगा तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का कमिटमेंट है। जी हाँ, पवन सिंह की वफादारी है, वो भी अपने फैंस के प्रति, अपने प्रोड्यूसरों डायरेक्टरों के प्रति और अपने काम को लेकर जिस तरह से उनके पास दीवानगी है शायद ही भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास है। इतना लंबा करियर, उससे भी ज़्यादा उनके स्टेज शोज और रात दिन काम करने की लगन। पवन सिंह शायद सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन सिंगिंग और अपने फैंस के प्रति वफादारी वो नहीं छोड़ सकते। तब तो फैंस ने गुहार लगाई शेर सिंह से कि छठ पर कोई ना कोई गाना आना ही चाहिए। पवन सिंह नहीं ठुकरा पाए। पवन सिंह की जगह कोई और अभिनेता होता तो शायद लाइव आता और ये कहता कि वो कैसे करे, यह मुश्किल काम है क्योंकि वो रिकॉर्डिंग की ही नहीं गई है। लेकिन फैंस का दिल पवन सिंह ने नहीं तोड़ा। भले ही पिछले साल का वीडियो सॉन्ग ऑडियो सॉन्ग के रूप में लेकर आए लेकिन लेकर ज़रूर आए। उसके लिए उन्होंने लंदन से उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाई, लेकिन बनाई ज़रूर। इतनी शिद्दत से अपने फैंस को कौन चाहता है, और शायद यही शिद्दत उनके लिए अभिशाप बन जाती है उनकी पर्सनल लाइफ में। पर्सनल लाइफ में जब वो आते हैं तो वो अपने लोगों को वक्त ही नहीं दे पाते। ऐसा अगर पवन के साथ पहली बार हुआ होता या पहली बार किसी रिश्ते में हुआ होता तो समझ सकते थे, लेकिन पवन सिंह के साथ ऐसा हर बार होता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, तकरीबन पवन सिंह के साथ ना उनकी पवन सिंह के साथ ना कोई उनकी कोई गर्लफ्रेंड लंबे समय तक टिकती है और ना ही पत्नियां। इसकी वजह आप कभी देखेंगे तो पवन सिंह अपने काम से कभी ब्रेक लेते ही नहीं है, वो तो लगातार बस काम करते हैं। लॉकडाउन में आपको याद होगा, भला किसी ने, भोजपुरिया के किसी सितारे ने कोई भी ऑडियो वीडियो सॉन्ग रिलीज किया? नहीं। लेकिन पवन सिंह नहीं रुके। पवन सिंह ने सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में बिहार में अपनी शूटिंग एल्बमों की स्टार्ट की और कई बड़े बड़े एल्बम्स, कई बड़े बड़े गाने उन्होंने दिए, जैसे मीठा मीठा बात है कमरिया, साड़ी पर का फोटो और न जाने क्या क्या, बहुत सारे गाने आए। वो वक्त भोजपुरी इंडस्ट्री में सभी को पवन ने अकेले एंटरटेन किया। फिर पवन की देखा देखी सभी ने स्टार्ट की शूटिंग, सभी ने गाना गाया, सभी ने अपने ऑडियो वीडियो सॉन्ग लेकर आए और वो भी बड़े एहतियात के साथ। आपको कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सुनाई नहीं दिया होगा कि इस सेट पर फलाने को कोरोना हो गया है। ये सारा कुछ पवन सिंह ने बहुत अच्छे से मैनेज किया। लेकिन फिर क्यों पर्सनल लाइफ में पवन सिंह हमेशा फिसड्डी या फेल हो जाते हैं? रिश्ते हमेशा क्यों पवन सिंह के लिए काम के बाद आते हैं? ये सभी जानते हैं कि सबका स्टारडम चढ़ता है और उतरता है, लेकिन रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं, सुख दुख में रहते हैं। लेकिन पवन को देखकर ये लगता है कि उन्होंने अपने फैन से ही एक अलग रिश्ता बना लिया है, सुख और दुख दोनों का। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।